हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की रिवीजन? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हर बार आपको एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जिन लोगों की रिविजन हो चुकी है या फिर जो हमारे दोस्त लोग रिविजन कर रहे हैं, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए आपकी रिविजन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे दोस्त लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करके जा रहे, जो जिन्हें डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो उन्हें बता दूं ये कंसेप्ट करके जाना, आपका डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से कंसेप्ट रिपीट हुए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कुछ डिवाइड करके दिया है ताकि आपको आसानी हो। जीओसी एरोमेटिसिटी में आप देख सकते हो एसिडिटी बेसिसिटी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिटी बेसिसिटी पे। ठीक है, मतलब बेसिसिटी के अंदर आपको फिर वो SIR SIP प्रोटॉन स्पॉन्जेस बहुत सारे क्वालिटी बेस ऐसे आ जाएंगे। एसिडिटी के अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जितना, उसके बाद में ऑर्थो इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट ठीक है एसिडिटी बेसिसिटी पाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में कार्बोकोटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल, जैसे लास्ट ईयर भी आपको पूछा गया था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, स्पेशली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड कॉजी एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ स्टैंडर्ड बुक में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के केसेस ज्यादा है, वही कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और कॉजी एरोमेटिक कंपाउंड में बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना इसे अच्छे से कर जाना। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स मैंने रखे हैं, RORS कॉम्प्लिकेशन से आप देख सकते हैं, रिसेंटली आपको RORS कॉम्प्लिकेशन पूछा गया था। रिलेशनशिप आपको कंपाउंड भी आएंगे, इनमें रिलेशन पूछा आएगा होमोमर्स इनाइशोमर्स या फिर डायोस्टीर में है, बताइए। टोपोसिटी से हर बार क्वेश्चन बनता है कि टोपोसिटी क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी पूछी जाती है, उसके अंदर गौथी इंट्रैक्शन डायक्सिल इंट्रैक्शन ये कंसेप्ट जरूर कर लेना। उसके बाद में मॉडल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैम्स मॉडल चिलेशंस मॉडल पल्किनन मॉडल। ठीक है, कार्बोन के बाजू में अल्फा सेंटर रहा तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। चलो ये हो गए स्टीरियोकेमिस्ट्री जीओसी एरोमेटिसिटी, ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से, इसके अलावा भी कर कर जाना है, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आईएमपी है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के अंदर जो बार बार रिपीट हुई है और जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसके नाम को मैंने कुछ लिख दिया, जैसे वैगनर मीयरविन रिएजमेंट जो लास्ट ईयर आपको रिपीट हो गई थी और बार बार रिपीट होती है, पमरर रिएजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी तक नहीं आया लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनोलेट केमिस्ट्री में बोरॉन इनोलेट लिथियम इनोलेट जेड इनोलेट ई इनोलेट का बनता है, उसे देख लीजिए। अल्डो रिएक्शन एट इस टाइप, अल्डो रिएक्शन में आ जाता है इंट्रामोलिकुलर अल्डो रिएक्शन, क्रॉस अल्डो रिएक्शन, अल्डो रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री, इवेंस अल्डो रिएक्शन, ये सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे, रॉबिन्सन एनालिसिस वगैरह। माइकल एडिशन 1,4 एडिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं माइकल एडिशन के ऊपर। मैनिज रिएक्शन, मैनेज रिएक्शन आपको अभी 2-3 सालों में बहुत पूछी आ रही है, लास्ट ईयर लास्ट टू थ्री ईयर्स के अगर आप PYQ एनालिसिस करोगे तो मैनेज रिएक्शन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेवर स्काई रिएजमेंट याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और CSIR नेट की फेवरेट है, बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलता है, कई बार आपको रिएक्शन दी जाती है, रिएक्शन का नाम पहचानो कहते हैं, कई बार प्रोडक्ट पहचानने के लिए कहते हैं फेवर स्काई। ठीक है, कई बार इसके अंदर फिर टाइप्स आ जाते हैं कॉजी फेवर स्काई वगैरह। रिएक्शन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन की जितने भी रिएक्शन है चाहे शापिरो रिएक्शन हो, शापिरो रिएक्शन तो बहुत फेवरेट है। उसके बाद में बामफोर्ड स्टीवंस आ जाती हैं, उसके बाद में इच्छर मोजर तनाबे फ्रेगमेंटेशन जितने भी रिएक्शन है ये वाले। उल्फ रिएजमेंट कार्बिन के ये फेमस रिएक्शन है, स्मिथ रिएक्शन नाइट्रीन वाली इलाइड वाली कार्बन आयन की और रेडिकल की बार्टन रिएक्शन और HLF रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर CSIR नेट एग्जाम। तो प्लीज अगर आप लोगों ने रिवीजन अगर कर ली है या फिर जो रिवीजन कर रहे हैं तो ये जो नेम रिएक्शन है ये बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से कंसेप्ट को और कौन कौन से टॉपिक को हमने रखा है, तो हैमेट इक्वेशन आप देख सकते हो कि हर बार क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, NGP बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रीडल काफ असाइलेशन अल्काइलेशन आपको कोई भी स्टेप में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं देखने मिलेगा लेकिन स्टेप के अंदर असाइलेशन अल्काइलेशन देखने मिलता है। विल्समर हैक रिएक्शंस यहां से क्वेश्चंस बनता है हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड में, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
मिड सोनू रिएक्शंस डायरेक्टली क्वेश्चंस में देखने मिलेगा, लेकिन ओएच की स्टेरिक केमिस्ट्री किसी एक स्टेप में आपको पूछा जाएगा। एप्पल रिएक्शन सेम फंक्शन, ई टू रिएक्शन आपको चेयर कंफर्मेशन दिया जाएगा, उसके अंदर ई टू रिएक्शन किस में अच्छे से हो रही है ये बताना पड़ेगा आपको। पीटरसन ओलिफिनेशन, ठीक है, उसके बाद में पायरेटिक सीन इलिमिनेशन और हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में बहुत सारे 9 बीबियन, डिसअमिल बोरेन, उसके बाद में नॉर्मल बोरेन, जितने भी आपके फंक्शन है ठीक है सारे आ जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन। रिएजेंट के अंदर देखो मैंने ज्यादा रिएजेंट नहीं रखा क्योंकि रिएजेंट बहुत वास्ट है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसे अच्छे से करके जाना। बाकी तो आप कर रहे हो लेकिन इसे अच्छे से करके जाना, जैसे हाइड्राइड बेस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जितने भी बोरेन, ये जितने भी हाइड्राइड बेस है उसे कर जाना। बर्च रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फिशनर रिडक्शन, ठीक है, उसके बाद में यश टू पी डी सी, यश टू रेने निकेल, यश टू पी टी ओ टू, लिनार, रोजेनमंड एंड विल्किंसन कैटेलिस्ट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, पीसीसी एंड पीडीसी, सिलिनियम डाइऑक्साइड, एमसीपीपीआई, H2O2NOH एंड शार्पलेस इपोक्सीडेशन, ऑर्गेनोलिथियम एंड गिलमन रिएजेंट, और लास्ट में मैंने रखा है कपले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, याद रखना। बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये जो रिएजेंट है इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपको कंसेप्ट के अंदर देखने मिलता है। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट और कौन कौन से रिएक्शंस बार बार रिपीट हुए। इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्लस साइक्लोएडिशन रिएक्शन विच स्टीरियो, पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग, उसके बाद में साइक्लोएडिशन रिएक्शन डाइन बनने के बाद में डील सर्दर रिएक्शन होगी, और उनमें स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। डील सर्दर रिएक्शन सबसे फेवरेट, उसके अंदर रेट्रो डील सर्दर आ जाएगी, चिलोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन आ जाएगी, ठीक है। साइक्लोएडिशन ऑफ किटिन, किटिन का फॉर्मेशन दिया जाएगा, साथ में किटिन की रिएक्शन। मोर देन 6+2, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे हमारे दोस्त लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आप देखोगे अगर ट्रेंड तो आपको देखने मिलेगा क्या मोर देन 4+2 साइक्लोएडिशन देखने मिलेगा। इधर 4+2 है, 6+2, 8+2 ऐसे साइक्लोएडिशन रिएक्शन। 1-3 डायपोलर साइक्लोएडिशन जिसमें क्लिक रिएक्शन आ जाएंगी, या फिर डायनोफाइल के साथ में, डायपोलरोफाइल के साथ में रिएक्शन आ जाएगी। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, इसके अंदर कोप, एजा कोप, सारे रिएक्शन आ जाएंगे। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर रिसेंटली आप देखोगे नॉरिश टाइप 1, नॉरिश टाइप 2 से क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसी एक रिएक्शन है पैटर्नोबुची रिएक्शन। पैटर्नोबुची रिएक्शन भी सीएसआई नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे अच्छे से कर कर जाना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने रखे हैं, मैक लेफर्टी रिएजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे, याद रखना। पहले नहीं पूछा करते लेकिन ये जो रिसेंटली 3-4 ईयर्स है यहाँ से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो मैक लेफर्टी जरूर करके जाना। नेचुरल अबंडेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सल्फर का नेचुरल अबंडेंस क्या है, इंटेंसिटी रेशियो, आपको एनएमआर से इंटेंसिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ सिग्नल्स है, ये तो हर बार आता ही है क्वेश्चन, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाएगा, नंबर ऑफ H1NMR, Ca13NMR, IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑर्डर बताइए, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। H1NMR स्पेक्ट्रल डाटा दिया जाता है, करेक्ट द प्रेडिक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर्स आपको क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं, कुछ हमारे दो चैप्टर बचे हुए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में 5-मेंबर रिंग जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पर आती है, ये हमने अच्छे से कर रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 1 शॉर्ट रिविजन आप देख सकते हो। ऐसे ही पिरिडीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक प्लस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पर होता है इसे देखता है, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में इतना दो कर लो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेकिन उसके स्ट्रक्चर और नाम हमें याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर और नाम अगर आपको याद है तो आधे क्वेश्चन तो आप उससे ही सॉल्व कर लोगे, स्ट्रक्चर और नाम से। फिर उसके बाद में आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था और बार बार रिपीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो भी मैंने एनालिसिस किया लास्ट 5 ईयर्स का, और यकीन मानिए अगर आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को करते हो तो आपका डेफिनेटली अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, अगर आपने रिविजन की है या फिर रिविजन कर रहे हैं तो ये पॉइंट को जरूर ऐड करें, ठीक है। चलो तो आप सभी लोगों को
एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन्स, ये रही मोटिवेशनल लाइन, बुझी क्षमा भी जल सकती है, अर्ज किया है, बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होके मायूस यू ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यू ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो जो ऐसा सोच रहे ना, तो अभी तक भी कोई कोई बात नहीं, अभी तक भी आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, बस अच्छे से रिविजन कीजिए जो आपने पढ़ रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लर्निंग।